करा था। ये कर लिया था। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट वन। सो डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले तो दो फॉर्मूले जो अभी हम लोग यूज करेंगे कुछ इसमें। सो पहला तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है एक क्वांटिटी। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is represented as V, this is minus Gm upon R. Now let us start with this example. So determine the gravitational potential on the surface of Earth, given that radius of Earth is this. So capital R is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. Its mean density, so density rho is equal to 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. And the value of G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. तो सबसे पहले तो मास निकाल लेते हैं हम लोग। मास विल बी इक्वल टू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दिस इज 4 बाय 3 3.14 into R cube, that is 6.4 into 10 to the power 6 whole cube into density 5.5 into 10 to the power 3. So this will be equal to 4 into 3.14 6.4. Into 5.5. So this is 6.036 into 10 to the power 18 and 321 and 324. कि ये मास हो गया अर्थ का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी निकालना है। वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर होता है, तो माइनस ऑफ 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6.036 10 to the power 24 divided by radius is 6.4 into 10 to the power 6. So 6.6. So 6.67 into 6.036 divided by 6.4. 6.29 होगा. So minus 6.29 into 10 to the power 7
जूल पर केज। लिख लिया बच्चों? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मासेस 800 केजी एंड 600 केजी आर एट डिस्टेंसेस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सो हमारे पास दो मासेस हैं, ठीक है, एक 800 केजी है और एक 600 केजी है। सो लेट्स से यहाँ पे जो मास है दिस इज 800 केजी और इधर बी पे जो मास है दिस इज 600 केजी एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में 25 सेंटीमीटर। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट distance 20 centimeter from it, 800 kg mass and 15 centimeter from 600 kg mass. So, and g is given as this. So basically, तुमको ये दे नहीं रखा है कि ये 90 degree है, but Pythagoras theorem से निकालेंगे 20 square plus 15 square, तो ये 25 square के बराबर आता है, तो ये 90 degree. वैसे figure दिया हुआ होगा exam में अगर, तो ये 90 degree हम लोग को पता होगा. तो अब हम लोग पहले ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए है ना इज इक्वल टू जी एम बाय एक्स स्क्वायर है. सो दिस इज इक्वल टू जी एम वन बाय आर वन स्क्वायर. सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को ई ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे. ई ए इज इक्वल टू जी एम वन 6.66 10 टू द पावर माइनस 11. मास एम वन इज 800 के जी एंड द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 होल स्क्वायर. So this is equal to 6.66 into 800 divided by 0.2. So 1.33 into 10 to the power 6. So 1.33 into 10 to the power 6, 10 to the power minus 6, sorry. So this is Newton per kg. उसके बाद ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पी डी टू बी. तो बी के वजह से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा दिस इज इक्वल टू जी एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर. वैल्यू ई बी इज इक्वल टू 6.66 10 to the power minus 11 into 600 divided by 0.15 ka whole square.
6.66 into 600 divided by 1.776. -6 newton per kg. Now net gravitational intensity, magnitude of intensity. So net gravitational intensity is root under Ea square plus Eb square. Vector quantity is एक इधर लग रहा है इंटेंसिटी, दूसरा इधर लग रहा है, आपस में 90 डिग्री है, तो सीधा Ea square plus Eb square कर लेंगे. अगर कुछ और एंगल होता तो प्लस टू ए इंटू ई बी कॉस ऑफ दैट एंगल होता, कॉस 90 जीरो है तो उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं यार. सो रूट अंडर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर मीन्स 1.33 होल स्क्वायर प्लस 1.77 होल स्क्वायर. 10^-6 को हम लोग बाहर ही रखते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन ही है. So we have 1.33 square plus 1.77 so 4.9018 and square root of this is 2.21. So net intensity is 2.21 into 10^-6 newton per kg. Is it clear? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. नाउ दिस वी डोंट हैव. सो थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन तुम देखोगे कि हम लोग मैग्नेटिज्म में भी करते हैं, सेम क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते हैं, और सेम क्वेश्चन ये ग्रेविटेशन में भी. इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हर जगह अप्लाई कर सकते. सो थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एक यहाँ पे मास एम हो गया, एक इधर मास एम हो गया, और तीसरा मास यहाँ पे है, राइट. तीनों का मास इक्वल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल. So three particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. So ये जो equilateral triangle है इसका side A. What are the gravitational field and gravitational potential at the centroid of the triangle? So gravitational field intensity अगर centroid पे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग जो ए के वजह से जो इंटेंसिटी है वो निकालेंगे, बी के वजह से इंटेंसिटी और सी के वजह से इंटेंसिटी. अब जो डिस्टेंस ओ ए ओ बी और ओ सी है वो सेम है, राइट. और इनके बीच का जो एंगल है ये सारे 120 डिग्री पे हैं. तीन फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे अप्लाई हो रहा होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है बताओ सर? जीरो. जीरो होता है. तीन इंटेंसिटीज लग रहे हैं, ये तीनों इंटेंसिटी इक्वल ही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो जितना डिस्टेंस OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू OC बिकॉज़ ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है. इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और मास भी तीनों पॉइंट पे इक्वल है. इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तीनों जगह इक्वल होगा और ईच ऑफ देम the angle between each of them will be 120 degree. So if three intensities
whose angle between each of them is 120 degree. तीनों के बीच में आपस में जो एंगल है ये 120 डिग्री ईच है, राइट? हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ये सेंट्रोइड of equilateral triangle. Is equal to zero. ठीक है, तुम निकाल भी सकते हो, ये आई ए है मान लो, ये आई बी है और ये आई सी है, तो तुम इसको निकाल के बता भी सकते हो कि भाई आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, और अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये जो डिस्टेंस होगा AD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर का रूट अंडर, सो विच इज रूट थ्री ए बाय टू. ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे होगा और इसका बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर और ये सारे चीजें बराबर होती हैं, इसमें एक ही लाइन होता है जो कि और जो पॉइंट होता है यही सेंट्रोइड भी होता है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सब एक ही पॉइंट होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एडी हमारा रूट थ्री ए बाई टू हो गया. अब इससे हमारा एओ निकलेगा टू थर्ड ऑफ रूट थ्री ए बाई टू, एडी का टू थर्ड, टू इज टू वन के रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है मीडियन को, ये टू टू कैंसिल हो गया, सो ये हो गया ए बाय रूट थ्री, ए ओ हो गया ए बाय रूट थ्री. तो बेसिकली सी ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, दीज आर ऑल इक्वल टू ए बाय रूट थ्री. तो इंटेंसिटी आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब ए बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर. सो जी एम बाय ए बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, राइट? नाउ इक्वल इंटेंसिटीज हैं और इन दोनों के तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, इसीलिए नेट जो है इसका जीरो. अब आपको कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी वी एट ओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, तो माइनस जी एम बाय आर ए बाय रूट थ्री इंटू थ्री हो जाएगा. तीनों मास के वजह से पोटेंशियल एड अप हो जाएगा इस पॉइंट पे, है ना? तो दिस इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री जी एम अपॉन ए. सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. आई होप सबको ये समझ में आ गया. नहीं समझ में आया तो तुम इसको निकाल के भी कर सकते हो कि इधर जो आई ए है इसको इधर रहने दो और आई बी का दो कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. उसी तरह आई सी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. ये एंगल है 60, ये भी एंगल है 60, तो आई बी कॉस 60 प्लस आई सी कॉस 60, ठीक है? और ये जो इधर है आई बी साइन 60 और ये इधर आई बी साइन 60. अब देखो लेफ्ट और राइट साइड जो फोर्स इक्वल लग रहा है ये तो कैंसिल कर देगा. ऊपर नीचे का देखो आई बी कॉस 60, मतलब ये आई ए आई बी आई सी का वैल्यू तो सेम है,
जब सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू वन बाई टू प्लस आई इंटू वन बाई टू, हाफ आई प्लस हाफ आई कितना हो गया, आई हो गया। ये नीचे आई लग रहा है और ऊपर भी आई लग रहा है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट जो इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे जीरो है। क्लियर है बच्चों? Now the next question, this is again a very important question. So आपको कह रहा है एग्जाम्पल 40 में a point mass body of mass 2 kg is placed at a distance 20 centimeter from one end of a uniform rod. तो ये जो है ये point mass, this is at a distance. So a point mass body of mass 2 kg. So small m is equal to 2 kg हो गया यहाँ. Is placed at a distance 20 centimeter. ये जो distance है 20 centimeter. From one end of a uniform rod of length 2 meter. ये जो length है ये 2 meter है. ये distance जो है ये 20 centimeter. एंड मास 10 के जी, तो यूनिफॉर्म रॉड है इसका मास 10 के जी। कैलकुलेट फर्स्ट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट मास बॉडी ड्यू टू रॉड। सो इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट मास बॉडी ड्यू टू रॉड, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे पॉइंट निकालना है। तो रॉड की वजह से, रॉड का तो कुछ एक डायमेंशन है ना, कोई पॉइंट मास तो है नहीं कि माइनस सॉरी जी एम बाई एक्स स्क्वायर करके निकाल दें, राइट? और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है ऑन द बॉडी ड्यू टू रॉड। तो अब देखो, सो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, राइट? और यहाँ पे जो है ये हम लोग को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना। तो आप क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे m पॉइंट से, m जो जहां पे रखा है o पॉइंट से r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करो, और इसका जो मास होगा इस छोटे से एलिमेंट का, लेट्स से मास dm। सो जो मास dm होगा, दिस विल बी मास पर यूनिट लेंथ m बाय l इनटू dr, ठीक है? जो लेंथ हो गया स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डी आर, ये डी एम के बराबर होगी। अब ना इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू डी एम, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू डी एम so gravitational intensity due to dm at a distance r from it is, इसको di से रिप्रेजेंट करते हैं, is equal to minus gm by x, sorry g into mass dm upon r square हो गया। so g into mass dm upon r square है, so this is मास डीएम क्या हो गया, जी इंटू एम बाय एल इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी आई बेसिकली जीरो से लेके आई तक हो जाएगा, सारे इंटेंसिटी ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू, और आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू डी से डी प्लस एल तक जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट डी से डी प्लस एल। भाई आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से जो डिस्टेंस ले रहे हो डी से लेके
डी प्लस एल तक वेरी कर रहा है राइट सो दिस विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन जी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं सो वन बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर और ये d से लेके d प्लस l तक जाता है सो दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन एल वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर होता है माइनस वन बाय आर भाई r रेस टू द पावर माइनस टू होगा r रेस टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाय आर हो गया और लिमिट जो है इसका डाल रहे हैं डी से डी प्लस एल तक हम लोग डाल रहे तो दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू जी एम बाय एल इनटू अपर लिमिट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वन बाय डी माइनस वन बाय डी प्लस एल है ना डी प्लस एल पहले आएगा नेगेटिव साइन है तो D प्लस एल के साथ नेगेटिव साइन लग गया तो वन बाय डी माइनस वन बाय डी प्लस एल सो दिस इज जी एम इंटू डी प्लस एल माइनस डी डिवाइडेड बाय एल इंटू डी इंटू डी प्लस एल सो डी माइनस डी कट गया ठीक है जी एम एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डी प्लस एल सो भाई एल एल कट गया सो दिस इज जी एम बाय डी इंटू डी प्लस एल ये वैल्यू आ गया इंटेंसिटी का यहाँ पे वैल्यूज दे रखा है हम लोग पुट कर लेते हैं 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 मास जो है 10 केजी है कैपिटल एम वाला डी इंटू डी प्लस एल डी 20 सेंटीमीटर 0.2 इंटू 2.2 हो जाएगा 2 मीटर है 2.2 हो ये वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 6.67 डिवाइडेड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 15.16 1.51 सो ये हो गया 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन पर केजी आई का वैल्यू निकल गया अब सेकेंड पार्ट में फोर्स निकालना है फोर्स क्या होता है मास इंटू इंटेंसिटी आई होता है सो मास हमारा स्मॉल एम जो दे रखा है वो 2 केजी है 2 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सो दिस इज 3.04 So 3 into 10 to the power, 3.04 10 to the power minus 9 meter. Clear, bachcho? So ye important question hai. लिख लिया बच्चों यस सर
अब देखो हम लोग पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे. सो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. सो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल. तो हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ चारों कॉर्नर पे मास रखा हुआ है स्मॉल एम. तो ये मान लीजिए ए बी सी डी हो गया, ये भी मास एम, ये भी मास एम, इस पे भी मास एम और यहाँ भी मास. सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल. सो दिस इज एल 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 एन. Also obtain the potential at the center of the sphere. So, देखो जितने combinations हैं वो सारे combinations हम लोग देखेंगे. मतलब A और B के बीच में एक energy होगा, B C के बीच में होगा, C D के बीच में होगा, A D के बीच में होगा, A C के बीच में होगा और इसके अलावा B D के बीच में होगा. ठीक है, total six हो गए. मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, अच्छा ये एल है, एल है तो ये जो डायगनल होता है वो एल रूट टू हो जाएगा, ये भी एल रूट टू हो जाएगा. सो टोटल नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम is equal to U AB U BC plus U CD U AD U AC plus U BD. इन दोनों का वैल्यू सेम होगा और इन चारों का वैल्यू सेम होगा, इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच में इक्वल, डायरेक्शन कुछ एनर्जी का होता नहीं है. तो यू ए बी मतलब फोर टाइम्स जो पोटेंशियल है इन दोनों एनर्जी इन दोनों के बीच में, जी एम एम माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय रूट टू एल का होल स्क्वायर. सो दिस इज माइनस फोर जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एम एम अपॉन टू एल स्क्वायर. टू टू कट गया तो माइनस फाइव जी. हाँ तो वाई वी डिड एल स्क्वायर क्या बेटा? So why did we do L square? Oh sorry sorry sorry. I'm sorry I'm sorry. एक मिनट. So this will be equal to minus of four. जी एम स्क्वायर अपॉन एल और ये माइनस ऑफ रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ये रूट टू से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल फोर प्लस रूट टू.
So this is minus 5.414 gm square upon ठीक है ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया एंड ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. पोटेंशियल निकालने के लिए इसको m से बस डिवाइड कर लो. सो पोटेंशियल एट द सेंटर है तो यहाँ पे ये जो हम लोग एनर्जी के लिए सारे कॉम्बिनेशन चाहिए पोटेंशियल तो चारों के मास के वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे. तो v एट सेंटर नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर. तो ये एल रूट टू है ये जो डिस्टेंस होगा हाफ वो एल रूट टू बाय टू मतलब एल बाय रूट टू हो गया एओ. सो AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO is L by root 2. ठीक है. Now minus GM by R करते हैं. So minus GM by R means L by root 2. So ये सभी के वजह से 4 times इसको कर लेंगे. चारों के वजह से है तो माइनस जी एम एल बाय रूट टू इंटू फोर. सो माइनस फोर रूट टू जी एम अपॉन एल. सो दिस इज द नेट पोटेंशियल. Is it clear, everyone? Yes. Yes. लिख लिया सबने? यस यस सर. तो सर आप ये क्वेश्चन कौन सी किताब से दे रहे हैं? कोई सर अभी तो हम प्रदीप से कर रहे हैं. अच्छा ठीक ठीक है. तुम्हारे वाले में आधा तो गलत ही रहता है इसलिए तुम्हारे वाले से नहीं कर रहे सर. नहीं नहीं मैं उसने नहीं पूछा मैं बस वैसे पूछ रहा था मतलब आप यूज क्या करते हो क्वेश्चन के. यस सीबीएसई के क्वेश्चंस हम प्रदीप से ही करते हैं जनरली. ठीक ठीक है. एक किताब को पकड़ के उसको कर लेते. उसके बाद फिर जब रिवीजन करेंगे तो यू लाइक करके एक बुक आती है उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होता है अच्छा. एक 12th क्लास में एग्जाम आइडिया करके एक किताब आती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लाखों करोड़ों क्वेश्चंस. तो उन सब से करते हैं. ये लिख रहे हैं ना सबने? Now body is released at a distance r from the center of the earth. What is the velocity of the body when it strikes the surface of the earth? So let's say ये surface है earth का, इसका radius capital R है, और and it is a body is released at a distance r. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर एंड विच इज यू नो क्वाइट अप्रिसिबल. ऐसा नहीं कि सरफेस के पास ही. सो आर इज ग्रेटर देन आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे स्ट्राइक करेगा उस समय वेलोसिटी निकालना. तो जब यहाँ पे हमने छोड़ा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है.
और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं माइनस जी, ठीक है, एम कैपिटल एम, तो माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब सरफेस पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर हो गया सरफेस पे। तो नेट टोटल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल एनर्जी इक्वल होता है, सो दैट मीन्स जीरो प्लस बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू, सो इसको इस तरफ लेके आ जाओगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन बाय आर माइनस वन बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम और एम कैंसिल हो गया, टू जी एम वन बाय आर माइनस वन बाय स्मॉल आर रेज टू द पावर वन बाय टू इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? Yes. एक सेकंड रेज मत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास एम के जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस आर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 आर। तो हमें एनर्जी निकालना है जो कि रिक्वायर्ड है उसको लॉन्च करने के लिए। सो पहले एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ सैटेलाइट, सर्फेस ऑफ द अर्थ निकालते हैं, राइट और उसके बाद 2 आर डिस्टेंस पे जो है वो एनर्जी निकालेंगे, है ना। और हम लोगों को पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 2r प्लस r करके। सो लेट्स से ये हमारा रेडियस r है अर्थ का। सो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m kg? इसको हम लोग को लॉन्च करना है एक ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस, ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 आर, एल्टीट्यूड कहाँ से, अर्थ के सरफेस से 2 आर, तो इसका अगर हम लोग को रेडियस निकालना होगा वो कितना हो जाएगा, 3 आर हो गया इस ऑर्बिट का, अगर यहाँ सेंटर से अगर हम लोग बात, ठीक है। सो पहले एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ so this is equal to let's say mass of earth capital M है, right, so this will be equal to
minus GMM upon R. उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल जी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम इंटू स्मॉल जी इंटू आर लिख लेंगे, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लिया और जी एम बाय आर स्क्वायर को स्मॉल जी लिख लिया, तो माइनस एम जी आर लिख सकते हैं इसको। ये एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हो गया ना, क्योंकि हमें कैपिटल एम ये सब नहीं दे रखा, कैपिटल एम आर दे रखा था और स्मॉल एम दे रखा था, इसीलिए जी के टर्म्स में लिखे ना। लेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी बी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, सो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है रूट अंडर जी एम बाय आर होता है, सो जी एम बाय स्मॉल आर रूट अंडर जी एम बाय स्मॉल आर मतलब यहाँ सेंटर से लेके उसके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, तो थ्री आर हो गया, रूट अंडर जी एम बाय थ्री आर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी एट ऑर्बिट, जब ऑर्बिट पे है तब उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम इंटू जी एम बाय थ्री आर हो गया, सो जी एम एम अपॉन सिक्स आर, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ये स्मॉल जी आर मतलब एम जी आर अपॉन सिक्स हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट पे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन थ्री आर, राइट, मतलब माइनस एम जी आर अपॉन थ्री हो गया, राइट। टोटल एनर्जी एट ऑर्बिट, ऑर्बिट में जब टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड कर लेंगे, एम जी आर अपॉन सिक्स माइनस एम जी आर अपॉन थ्री विच इज माइनस एम जी आर अपॉन सिक्स, सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो सरफेस पे इतना एनर्जी है और ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज द अमाउंट ऑफ energy which is required, so energy required to launch a satellite will be equal to final energy minus initial energy, so that is minus mgr upon 6 plus of mgr, minus of minus करोगे तो plus हो जाएगा, so this is mgr 5 mgr upon 6, this is the energy required to launch a satellite. clear बच्चों? yes sir So we'll stop here. इसको लिख लो, अगली क्लास में हम लोग सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी सैटेलाइट का जो क्वेश्चन है बेस्ड और एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन, ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन वो कुछ करेंगे एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर, और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। चलो वील स्टॉप हियर देन, है ना, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, मिलते हैं, थैंक यू।